दायचे हैसी अड्डा की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मुकेश भारतीय और दायचे हैसी अड्डा की नई वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आपका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पेपर 9। इससे पहले भी हमने 8 मॉक टेस्ट बनाए हैं और ये आपके जो हरियाणा पुलिस ग्रुप डी क्लर्क आपका ग्राम पटवारी ग्राम सचिव जितने भी आपके पेपर रहने वाले हैं आगे आने वाले सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये इसकी खासियत आप देख पाएंगे, इसमें हमने 190 के बजाय 100 क्वेश्चन लिए हैं, 100 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में आपको देखने के मिलेंगे, 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप इसमें देख पाएंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमने इसका जो है पूरी उस पर ना करके स्क्रीन पे ना करके इसमें बीच में लिया है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की शिकायत थी कि जी ऑप्शन है वो नहीं दिख पा रहे, तो ऑप्शन इसमें पूरे दिखेंगे, हमने इसको थोड़ा जूम कम कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसे नई ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो किसको इस ब्रांड एम्बेसडर घोषित बनाई थी? तो ये 2016 के अंदर जो ओलंपिक विजेता रही थी साक्षी मलिक, इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर आपके बनाया गया था, आपकी जो साक्षी मलिक है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर देखिए ऑप्शन आए थे, साथ में आप क्वेश्चन आपका दिख रहा था, ऑप्शन भी दिख रहे थे, आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं साथ साथ, ताकि आपको भी ये लगे कि हम पेपर लाइव दे रहे हैं आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं आपकी, ऑप्शन आपके हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, 1, 2, 3 आप सोनीपत लिख सकते हैं, पेवा लिख सकते हैं, अग्रवा लिख सकते हैं, पानीपत लिख सकते हैं। तो ये हर्षवर्धन का आपकी मिली है, ये मिली है आपकी सोनीपत के अंदर, सोनीपत में आपकी प्राप्त की गई है, ठीक है। इसको इसका प्राचीन नाम है जो आपका सोनप्रस्थ भी है, सोनीपत को सोनप्रस्थ पहले कहा जाता था, दिल्ली NCR के अंदर ये आपका आता है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे आपके गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बताइए कमेंट बॉक्स में, तो कौन थे आपके, ये थे राव बरेंद्र सिंह थे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ये, और जो है ठीक है राव बरेंद्र सिंह। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी किस नगर में स्थित है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आपकी, चलो इसका बरेंद्र सिंह का हम कार्यकाल बता देते हैं आपको, इनका कार्यकाल रहा था आपका 24 मार्च 1967 से आपका नवंबर 1967 तक आपका है, इनका कार्यकाल आपका रहा था नवंबर 1967 तक, ठीक है, आपके जो वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट आपका, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है जो किस नगर में स्थित है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आपकी ये आपकी है हिसार के अंदर आपकी स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1970 के अंदर, 1970 में इसकी आपकी स्थापना की गई थी, और इसका नाम पड़ा है 5वें प्रधानमंत्री के नाम पर आपका चौधरी चरण सिंह। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो किस जिले की सीमा नहीं लगती, तो आपकी वो नहीं लगती है, तो वो रोहतक जिला है, रोहतक जिले की सीमा नहीं लगती यमुना नदी से, और जो यमुना नदी है इसका जो उद्गम स्थल होता है वो होता है यमुनोत्री जो ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर का जो बंदरपुच पहाड़ी है उत्तराखंड में वहाँ से निकलती है, और इसकी सहायक नदियाँ हैं कुछ, उनके नाम देख लीजिए आप, टोंस आपकी, चंबल है आपकी, ये हिडन है आपकी, केन है, बेतवा है, देख ये आपकी इसकी सहायक नदियाँ। चीन यात्री हेनशांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो किसके क्षेत्र में आया था, किस काल में आया था, ये 7वीं शताब्दी में थानेसर का शासक था जो हर्षवर्धन, उसके समय है आया था। देखिए जो ये आपका लेके आए हैं, जैसा कि आपने देख लिया होगा जो आपका टाइटल था आपने देखा होगा ओल्ड पेपर, ये आपका प्रीवियस पेपर है 2016 में जो पूछा गया था, 2016 में आपका कलर का पेपर हुआ था, वो हमने आपके समक्ष लेके आए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप उसके अनुसार थोड़ा अप लेवल को बढ़ा के आप तैयारी करें, क्योंकि जो आपका लेवल थोड़ा सा पहले वाले से ज़्यादा हाई रहने वाला है, ठीक है, तो आप उसके अनुसार ही तैयारी करें, आपका जो लेवल है उसको हाई करके। नेक्स्ट आपका, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस पर किसके साथ किए थे ये किए थे आपके CFLD, ये किए थे आपके CFLD मतलब चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट है जो उसके साथ हस्ताक्षर आपके किए थे। हरियाणा सरकार में पर्यटन तकनीकी शिक्षा और जो संसदीय मामले हैं उसका मंत्रालय है किसके पास है आपका? तो किसके पास है इनका मंत्रालय बताइए, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इनका आसान सा क्वेश्चन है ये है आपका
रामविलास शर्मा, जैसा कि हमने आपका सिलेबस बताया था क्लर्क के लिए, उसमें हमने आपका मंत्रिमंडल है वो भी बताया था, सिलेबस प्रीवियस ईयर के अनुसार ही आपका बना गया था वो, कि भी कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिरसा की मंझियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है, तो किस मिशन के अंतर्गत आती है आपकी, ये आती है आपकी, बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, हम बता देते हैं इसका आंसर है बागवानी, बागवानी के अंतर्गत आपकी आती है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है, तो किस जिले में है आपका ऐतिहासिक नगर रानिया, ये सिरसा जिले के अंदर आपका है, सिरसा जिले के अंतर आपका आता है ये सिरसा जिले में। हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है, तो चुनाव किस क्षेत्र से संबंधित आपका, ये है आपका बावड़, रेवाड़ी में पड़ता है बावड़, उस वहाँ से संबंधित आपके। निम्न सभी नदियाँ हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं, सिवाय शिवालिक पहाड़ियों से जो सी नदी निकलती है उससे अलग कौन सी आपकी नदी है, तो आपकी कौन सी नदी है इनमें से, देखिए जो आपकी यमुना नदी है, यमुना नदी आपकी यमुनोत्री की जो आपकी गले आपकी जो है बंदरपुज पहाड़ी है वहाँ से आपकी निकलती है, घग्गर मारकंडा टांगड़ी नदी है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है आपकी, यमुनोत्री आपका यमुना नगर का है, यमुना का है। हरियाणा में कितने ज़िले हैं, तो हरियाणा के अंदर आपके कितने ज़िले हैं, तो 22 ज़िले हैं आपके हरियाणा के अंदर, 22 ज़िले, नवीनतम ज़िला आपका चरखी दादरी बना था। महावीर स्वामी के जन्मस्थल का क्या नाम है, तो महावीर स्वामी के जन्मस्थल को क्या क्या नाम है, तो इनका गांव है वैशाली, कुंड ग्राम है जो, कुंड ग्राम वैशाली आपका ये इनका जन्म स्थान है, जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 540 और मृत्यु हुई थी इनकी 486 ईसा पूर्व के अंदर, 72 इस वर्ष की अवस्था में हुई थी इनकी। नेक्स्ट आपका, किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरोस ने युद्ध लड़ा था, कहाँ पे लड़ा था, तो झेलम नदी है, झेलम नदी के किनारे इन्होंने पोरोस और सिकंदर के बीच में आपका जो ये लड़ा गया था, यूनानी शासक था आपका सिकंदर। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती, तो इनमें से कौन सी नदी है अरब सागर में नहीं मिलती, जो आपकी नहीं मिलती, गोदावरी नदी है, नर्मदा, साबरमती, ताप्ती नदी है, ये आपकी ये नदी पश आपकी जो है अरब सागर में मिलती हैं, लेकिन जो गोदावरी है ये आपकी पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है आपकी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आपकी गिरती है ये। उस फसल का नाम बताइए जिसे भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ किया गया था, तो कौन सी थी वो फसल आपकी जो 17वीं शताब्दी में आरंभ किया गया था, एकांतर वर्षा का दौर और धूप वाला मौसम इसके लिए आदर्श होता है, तो कौन सी है वो आपकी, वो आपकी है मकई की जो फसल है ये आपकी है, इसके लिए जो वर्षा और धूप का मौसम आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के सैन्य बलों का जो सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो आप हमें इसका जो करंट का है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे कि भी जो सर्वोच्च न्यायालय आपका कमांडर है, देखिए जितने भी सैनिक बल हैं आपके सभी के आप याद करेंगे, सभी के जो चीज आपके कमांडर होते हैं आप करंट है वो आप बताएंगे, अभी इसका नाम है जो हम आप बता देते हैं, जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो आपका जो रक्षा आपका राष्ट्रपति होता है वो होता है, लेकिन जो इसके चीफ हैं प्रमुख हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भी सैन्य बलों के जो भी आपके थल सेना के हैं, वायुसेना के, नौसेना के जो भी आपके हैं प्रमुख, वो आपको आपको बताना है, इसके सर्वोच्च कमांडर आपके राष्ट्रपति होते सैन्य बलों के। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा की प्रारूप का अध्यक्ष आपके जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं वो आपके थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जमशेदपुर में टाटा आयरन और स्टील कंपनी कब स्थापित की गई थी, जमशेदपुर में टाटा आयरन और स्टील कंपनी ये आपकी स्थापित की गई थी 1907 के अंदर आपका, 1907 के अंदर आपका की गई थी, इसकी फुल फॉर इसकी शॉर्ट फॉर्म है आपकी टिस्को, TISCO आपकी है टाटा आयरन एंड आपकी जो स्टील कंपनी है इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म आपकी है। 22 नवंबर आपका कब की थी, 25 अगस्त 1907 को, ठीक है, इसका मुख्यालय है मुंबई में है आपका। भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ था, तब कब गठित हुआ था आपके ऑप्शन सामने है कमेंट बॉक्स में बताइए, तो ये गठित हुआ था आपका 1972 के अंदर, 22 नवंबर 1972 के अंदर है जो GIC की आपकी स्थापना की गई थी और जो इसका है जो आपका मुख्यालय है इसका मुंबई में है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग क्या है, तो कैसा रंग है आपका भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का,
तो ये आपका है गहरा नीला, आपका रंग है इसका गहरा नीला, इसका रंग है, इसमें 24 तिलियां हैं और अशोक के सारनाथ स्तंभ से इसको लिया गया है। इसका किसका प्रतीक है? प्रगति और निरंतरता का जो प्रतीक होता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो तीन है, जो पीठ स्टाई आपके जो तीन आपके दिखते हैं, एक इस साइड, एक आपका सामने और एक इस साइड है, जो ये आपके दिखाई देते हैं इसमें, इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए किसने ऑस्कर पुरस्कार जीता था? 2016 की बात है, आपका जो ऑस्कर पुरस्कार है किन्होंने आपका जीता है, ऑस्कर पुरस्कार बानो अथैया ने फिल्म गांधी के लिए जीता था, ठीक है। जो ऑस्कर पुरस्कार आपका जीता था ये बानो अथैया ने, जो आपकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग मूवी थी आपकी फिल्म गांधी, तो उसमें है जो उसके लिए इनको आपका दिया गया था ऑस्कर अवार्ड आपका 1982 के अंदर। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? प्रथम तो कौन थे आपके, कौन थे? लाला अमरनाथ, आई के पटौदी, बताइए आप। तो ये थे आपके कप्तान सी के नायडू, कप्तान सी के नायडू आपके थे। यह मैच इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया था आपका, और 25 जून 1932 को आपका खेला गया था, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है आपका, किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी की गई हुई थी? तो किसके कौन से नारे था जो जिसके द्वारा है जो टिकट है जारी की गई थी? तो जय हिंद का नारा था जो 15 अगस्त 1947 को उसके उपलक्ष्य पर जारी की गई थी, ठीक है। नई दिल्ली में पहला एशियाई कप आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में पहला एशियाई कप आपका किया गया था 1951 के अंदर, 4 मार्च 1951 को, और इसमें 11 देशों के 491 खिलाड़ियों ने भाग लिया था आपका। भारत ने इसमें 15 गोल्ड जीते थे और 51 टोटल आपके पद जीते थे। पहला स्थान था जापान ने प्राप्त किया था, 24 गोल्ड और टोटल 60 पदक आपके जीते थे। नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? तो नाजी पार्टी का गठन है किस देश में हुआ था? जर्मनी के अंदर है नाजी पार्टी का गठन हुआ था। इसके संस्थापक थे एंटोन ड्रेक्सगर। 1921 में हिटलर इसका अध्यक्ष बना था, इसी का अध्यक्ष था जो नाजी पार्टी के अध्यक्ष हिटलर बने थे 1921 के अंदर। भारत के उस पूर्व एशियाई पड़ोसी देश का नाम बताइए जो 1948 में स्वतंत्र हुआ था, तो 1948 में कौन स्वतंत्र हुआ था? ये हुआ था आपका म्यांमार बर्मा है, जो 4 जनवरी 1948 को है, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो राष्ट्रमंडल आपका जो इनकी जो आपका है जो इन पे भी है जो ब्रिटिश का जो हुकूमत था 1948 में इसको स्वतंत्र किया गया था। इनकी पुरानी राजधानी है जो रंगून है, रंगून तथा नई राजधानी है आपकी नेपो दो, ये आपकी नई राजधानी इनकी है म्यांमार की। नेक्स्ट आपका पीसा की झुकती मीनार है जो किस देश में है? पीसा की झुकती मीनार आपकी किस देश में है? ये आपकी इटली के अंदर है आपकी। यह मीनार 1173 में बननी शुरू हुई थी और इसको 200 साल लग गए थे, और इसके जो वास्तुकार माने जाते हैं वो हैं बोनानो पिसानो इसके वास्तुकार। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो कितना समय आपकी पृथ्वी लेती है? ये लेती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है जो आपका टोटल समय है पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लेती है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्र संगठन सार्क का गठन किस वर्ष हुआ था? सार्क का गठन हुआ था आपका 1985 के अंदर आपका हुआ था 1985 में, 8 दिसंबर 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका? नेपाल काठमांडू के अंदर आपका है। इसमें 8 देश हैं आपके, कौन से आपके? भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है आपका, बांग्लादेश है, भूटान है आपका, नेपाल है, मालदीव है और आपका श्रीलंका है आपका, श्रीलंका। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है आपका। इसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्न में से कौन ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया से कौन प्रभावित होता है? तो रक्त का कैंसर है जो आपका ल्यूकेमिया, रक्त इसमें जो आपकी WBC है वो बढ़ने लगती हैं। किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? तो किस अंग के अंदर है जो आपका पित्ताशय? यकृत में जो आपका पित्ताशय है जो होता है, इसका जो पित्तरस होता है वो ऑक्सारी सराउंड करता है। इसका pH कितना होता है? 7.5 से 8.5, ठीक है। नेक्स्ट आपका यकृत है जो सबसे बड़ी ग्रंथि भी है आपकी, यकृत। 35 का 2 ऑप्शन है।
फीफा 2018 विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ, तो कहाँ पे आयोजित हुआ, रूस के अंदर आपका ये आयोजित हुआ, रूस के अंदर फीफा वर्ल्ड कप। और 2022 का है जो वो कहाँ पे होगा, ये कतर में होगा आपका, और 2026वां ये कनाडा में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, और जो मैक्सिको, तीन देशों में आपका होगा। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के सेट के मध्य कितनी दूरी होती है, तो कितनी दूरी आपकी होती है, ये होती है आपकी 22 गज की, 22 गज मतलब 22 गज मतलब 20.12 मीटर की आपकी होती है। नेक्स्ट आपका, चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है आपका, ये लगता है 1. आपका जो कितना लगता है चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में, ये लगता है 1.3 सेकेंड, मतलब 1 मिनट आपका 3 सेकंड आपका लगता है। और जो सूरज का लगता है, सूर्य का, वो 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर आपका आता है। हाल ही में किस राज्य में रामेश्वर और मनमदुराई के बीच देश के पहले हरित ट्रेन गलियारे का उद्घाटन किया गया था, तो किसके बीच किया गया था, ये तमिलनाडु राज्य के जो रामेश्वर थे, और जो आपके ये आपका देश का पहला जो तमिलनाडु के आपके थे रामेश्वर, और जो मनमदुराई के बीच है जो आपका जो खोला गया था गलियारा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त आपका किया गया है, ये आपका जो 2016 के आंकड़ों के अनुसार है आपका 40वां ये आपका किया गया था, ये अनंत महेश्वरी, तो इनको माइक्रोसॉफ्ट के जो आपका नए अध्यक्ष के रूप में 2016 में जो आपका आया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा खेल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए शामिल किया गया है, तो कौन सा किया गया है आपका, ये किया गया है आपका, बताइए, इसमें आपका जो स्केटबोर्ड है, सर्फिंग है, कराटे है, इसमें लगभग आपके सारे हैं तीनों, ये आपके शुरू किए गए थे जो आधुनिक ओलंपिक थे 1896 में इनकी एथेंस शहर था जो, वहाँ से शुरुआत की गई थी। सरकार ने किस तारीख से माल जो GST है आपका लागू किया गया, तो GST कब से आपका लागू किया गया, ये आपका 1 जुलाई 2017, एक जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर आपका किया गया, 122वां संविधान संशोधन से पारित इसको किया गया था। विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी, तो विजय रूपाणी ने आपके जो 7 अगस्त 2016 को 16वें मुख्यमंत्री के रूप में 7 अगस्त 2016 को आपकी शपथ ली थी। नीचे दी गई श्रृंखलाओं की श्रेणी में ज्ञात कीजिए कि 1, 3 और 7 कितनी बार आया है, और इसमें 7 मध्य में होना चाहिए, मतलब 1, 7, 3 हो या फिर 3, 7, 1 हो, ये मध्य में आपका होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम आपको दिखा देते हैं जो आपकी श्रृंखला है इसमें कितनी बार है, ठीक है, कितनी बार है, ये आप देख पा रहे हैं, एक तो ऊपर वाली लाइन में है आपका, एक मिनट, ऊपर वाली लाइन हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन ए यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, देख लीजिए आप यहाँ पे 2, 9, 7, 3, 1, 7, 3, 1, 7, 3, 7, 7, 1, 3, 3, 7, ये आपकी श्रृंखला है। और यहाँ पे आगे अगली लाइन में 3 है, ठीक है, एक तो आपका 1, 7, 3 ये हो गया पहली ऊपर वाली रो में, ठीक। हम आपको दोबारा से दिखा देते हैं इसको, ये जो लिखी गई है ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये कट जा रही है जब हम इसको आपका लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ऊपर वाली लाइन में जो फिफ्थ अक्षर से शुरू होती है आपकी 1, 7, 3 है, और जो लास्ट वाला 1, 7, 3 है, और नेक्स्ट रो में 3 है, ये आप देख पा रहे हैं, 2 तो ये हो गया आपका, ठीक है, और तीसरा आपका 1, 7, 3 ये, मतलब 3 बार है जो इसमें आपका आता है। नेक्स्ट आपका, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। एक परेड में 7 व्यक्ति खड़े हैं, एक कतार में खड़े क्यू आर के बाईं ओर परंतु बी के दाईं ओर खड़ा है, ओ एन के दाईं ओर था, बी पी के बाईं ओर खड़ा, उसी तरह एस आर के, ये आपको है, हम आपको दिखा देते हैं कैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये आपका कौन कहाँ पे खड़ा, क्यू आर के बाईं ओर है, ये आपका क्यू हो गया, किसके बाईं ओर है, आर के, ये इस साइड फेस किया इनका हमने, कहीं पे कर लीजिए बाईं ओर, ये इधर होगा इनका, ठीक है, बाईं ओर, परंतु जो आपका पी के दाईं ओर खड़ा है, तो पी यहाँ पे आएगा, पी के दाईं ओर खड़ा है, फिर कहा है कि भी उसी तरह ओ एन के दाईं ओर खड़ा है,
ओ है जो एन के दाईं ओर खड़ा है, ओ है जो एन के दाईं ओर खड़ा है लेकिन पी के बाईं ओर खड़ा है, तो मतलब ये बाईं ओर तो यहाँ पे आएगा ना एन ओ। और फिर कहा कि उसी तरह एस आर के दाईं ओर खड़ा है, एस है किसके दाईं ओर खड़ा है एस के, लेकिन टी के बाईं ओर खड़ा है, तो इन्होंने पूछा कि ज्ञात कीजिए मध्य में कौन खड़ा, मध्य में आपका क्यू खड़ा है आपका, ठीक है मध्य में आपका क्यू है। सही विकल्प का चुनना है आपको, सही विकल्प चुनना है 46। असली प्रमाणिक और मरीचिका क्या होगा, जिस प्रकार है असली प्रमाणिक से संबंधित है, जो मरीचिका है किससे संबंधित है कि भ्राति से, भ्रम से आपकी संबंधित है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन किसी प्रारूप में एक समान है और चौथा भिन्न है, भिन्न है, उस विषम शब्द का चयन करना हमें, गार्नेट रूबी ग्रेफाइट पांच एमरेल्ड, तो ग्रेफाइट विषम शब्द है, यह कार्बन का अवरूप आपका, ठीक है, और जो रूबी है आपका और जो आपके गार्नेट है पांच एमराइल्ड है, ये आपके जो ज्वेलरी वगैरह हैं वो आपके हैं, ग्रेफाइट कार्बन का अवरूप आपका होता है। दिए गए विकल्पों में से जो आगे यहाँ पे आएगा वो कौन सा होगा, तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे दो है तीन है चार है, तो पांच अक्षर आपके यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है, तो इनमें सभी में पांच दिए गए हैं आपके, एक को तीन ऑप्शन को छोड़ के, तो आप देख रहे हैं ए बी सी, यहाँ पे सी आपका हटा हुआ है, तो यहाँ पे एफ जी यहाँ पे आ गया, एच आई जे के, यहाँ पे एल घट गया तो एम आ जाएगा, तो एम किस में है आपका, ऑप्शन नंबर एक में ही आपका सही है, तो एम एन ओ पी क्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे। भजन सिंह 120 रिम कागज 80 रुपये प्रति रिम की दर से खरीदता है, उसने 20 आपके जो 280 रुपये परिवहन पर खर्च किए 40 पैसे, आप देखिए हम साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, इसको सारा को जोड़ लीजिए आप, सिंपल सी बात है, इसको सारा को जोड़ लीजिए और जो है इसका मूल्य निकल जाएगा अपने आप, 120 रिम खरीदे उसने कागज़ पर 80 प्रति के भाव से, तो 120 इंटू में 80, अब तो साफ दिख रहा होगा ना आपको, ठीक है, प्लस में फिर क्या है 280 रुपये परिवहन पर खर्च किए, अब तो साफ दिख रहा ना, आज कमेंट में बताइए आप साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है, 40 पैसे प्रति रिम, मतलब 120 के रिम थे आपके, 120 रिम थे 40 पैसे के हिसाब से 48 रुपये हो जाते हैं, वो आपके प्लस में 48 ये हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है जो आपका 72 रुपये है कूली पर खर्च किए, प्लस में 72 और हो जाएगा आपका, प्लस में 72, और यदि उस पर आपका 8% लाभ लेना चाहता हो, इनको सभी को जोड़ लीजिए, ये आपका 9600 हो जाएगा, 9600 ये 280 ये 48 और 72, 48 और 72 आपका 120 और आपका 48 है जो कितने हो जाएंगे 1400 और 96 10000 है जो 10000 टोटल इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं पहले, इस पर आपका है ये कितना है फ़ायदा लेना चाहता है 8% 108% इंटू में 100 अपॉन में 100 108 फ़ायदा लेना 8% का फ़ायदा लेना चाहता है, तो परसेंटेज 108 हो जाएगा 20 से 20, तो इसको बेचने होंगे 10800 रुपये में, तब जाके इसको 8% का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि प्रत्येक रिम का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो रिम कितने हैं 120 रिम है, तो 120 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 निमा 108 90 रुपये में एक रिम है उसको बेचना होगा, तब जाके 8% बेनिफिशियर आपका जो बेनिफिट है वो आपको प्रॉफिट है जो होगा आपको उसको होगा। एक कर्मचारी का भविष्य निधि में औसत अंशदान 9 माह के लिए प्रति माह 3500, शेष के लिए आपका अंशदान 5500 है और उसका जो कुल अंशदान था 58000 से कितना कम है, तो आप आसान सा क्वेश्चन है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को जोड़ के है आपका जो आपका जितना बचेगा 58000 से ज़्यादा जितना होगा कम होगा वो आप निकाल देंगे। देखिए 3500 की और आपकी 9 की गुणा करेंगे आप कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 31500 आपका हो जाएगा, और जब ये आपकी 3 की और 5500 की करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16500 और टोटल हो जाएगा आपका 48000, और 48000 कितना कम है 58000 से 10000 आपका कम है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। 51 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सात का वह सबसे छोटा गुणक जिसे 6 9 15 तथा 18 से विभाजित करने पर शेष 4 जो है देता है क्या है, तो क्या है आपका इसमें देख पाएंगे, तो इसका जो आप है क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे आप, इसका एलसीएम है जो आप निकालेंगे, तो 6 9 15 18 6 है आपका 9 है आपका
छः है आपका, नौ है, पंद्रह है, अठारह है, छः, नौ, पंद्रह और अठारह, इसका जो आप एलसीएम निकाल देंगे, दो तिया छः, नाइन, पंद्रह, दो तीन तिया दो निमे अठारह, तीन पे तीन एकम तीन, तीन तिया तीन पंजे तीन तिया, एक बार फिर से तीन पे तीन, एक, एक, पाँच और एक, पाँच दूनी दस, दस तिया तीस, तीस तिया नब्बे, ठीक है, नब्बे क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, नब्बे इसका एलसीएम आ गया, और शेष बचता है चार, तो इसमें चौरानवे जोड़ देंगे, चौरानवे का जो मल्टीपल होगा, यहाँ पे एक्स मान लीजिए, चौरानवे का इसका जो मल्टीपल होगा आपका 90 के का, इसका जिसमें चार जोड़ेंगे हम, सॉरी चौरानवे का नहीं, 90 का मल्टीपल, ये 90 का मल्टीपल होगा, चौरानवे का मल्टीपल नहीं होगा, तो जो चौरानवे इसका 90 का मल्टीपल होगा, 90x प्लस में चार और सात से डिवाइड होगा, वही आपका है जो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको आप किससे करेंगे, अगर एक मानेंगे आप, एक मानेंगे तो चौरानवे होगा, सात से डिवाइड नहीं होता आपका, अगर दो मानेंगे 184 आएगा, 184 भी आपका सात से डिवाइड नहीं होता आपका, ठीक है, इक्यावन का जो फोर्थ है 364 आपका ये सात से डिविजिबल है, तो 364 आपका ये आंसर आ जाएगा। यदि किसी संख्या के एक चौथाई, एक चौथाई का एक तिहाई, एक चौथाई का एक तिहाई, एक चौथाई का एक तिहाई कितना, 15 है, तो x कितना आ गया, ये इसका एलसीएम आ गया 12, 12 इधर चला गया, तो x कितना आ गया आपका, x आ गया 180 वो संख्या की, उसका फिर 3/10 निकालना है, 180 का 3/10 कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 10 से 10, 18 54 54, उसका 3/10 भाग होगा। एक नल के द्वारा एक टंकी 20 मिनट में भरी जाती है और अन्य नल के द्वारा 60 मिनट में, तो 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं दोनों के दोनों, फिर दूसरा एक बंद कर दिया जाता पहला, दूसरा वाला कितने भरेगा, देखिए इसको कैसे करेंगे, 20 और 30 यहाँ पे लिखेंगे, इनका आपका जो एलसीएम ले लेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है, ये आपकी ये पहले वाला 20 मिनट मरता है 30 मिनट में, तो टोटल आपकी 60 जो कैपेसिटी उसकी आ गई टैंक की, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, इसकी 2 फ्रिक्वेंसी आ गई, दोनों एक उसमें मिनट में कितने भरते हैं, 5 वॉल्यूम भरते हैं 60 में से, तो टोटल कितने में आपके आपके इन्होंने बोला है कितने मिनट आपका जो चला है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये इन्होंने है 60 लिखा, 60 दूसरा 60 मिनट में भरता है 60 में, तो एक यहाँ पे आएगा, तो एक मिनट में आपका जो हो चार आपके भर देते हैं 60 में से, तो इन्होंने 10 मिनट चला है दोनों, तो मतलब 40 यूनिट भर गए, 40 में से आपकी कितनी यूनिट बची, 20 भरनी रह गई, तो दूसरा है कितने मिनट में भरेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी एक कितने भरने की है, एक है, तो 20 को कितने मिनट में भरेगा, 20 मिनट में आपका उसको भर देगा। निम्न में से कौन कंप्यूटर की खोज से संबंधित है आपका, कौन है कंप्यूटर की संबंधित आपका, जो चार्ल्स बेबेज हैं, चार्ल्स बेबेज आपका ऑप्शन नंबर दो ये है। भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में ली जाने वाली किसी धातु में निम्न में से कौन सा मानदंड है जो आपका उपयुक्त होना चाहिए, तो उसकी जो ईट की आपकी जो कंडक्शन की जो होगी आपकी ईट को अडॉप्ट करने की, उसकी अधिक ऊष्मा चालकता आपकी उसकी होनी चाहिए, तभी है जो आपका सही रहेगा, अगर कम होगी तो आपका जो भोजन जल्दी नहीं पकेगा आपका। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होती, तो कौन सी है आपकी जो प्रभावित नहीं होती, जो प्लेटिनियम होती है आपकी, ये जल्दी प्रभावित नहीं होती। तिलचट्टे में चलने के पाँव कितने जोड़े होते हैं, तिलचट्टे में तो कितने होते हैं आपके, तिलचट्टे में उसके 3 जोड़े होते हैं, मतलब 6 पैर होते हैं आपके, जोड़े 3 आपके होते हैं, ये आपका जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा संघ है जो आपका उससे बिलोंग करता है। एंजाइम सहायक होते हैं, तो एंजाइम किस में सहायक होते हैं आपके, किस में सहायक होते हैं जल्दी बताइए, एंजाइम भोजन पाचन में सहायक होते हैं आपके, और जो रासायनिक क्रियाएँ हैं उनको भी आपका एक्टिव करते हैं, तेज़ करते हैं। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इनमें से करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है कौन सा है, तो इनमें से आपका है ये करेक्टली स्पेल्ट है सिलोएट, सिलोएट आपकी स्पेलिंग सही है आपकी, सिलोएट का मतलब होता है छाया, आकृति। टर्मिनेट की आपकी ई की जगह आपका एन ए टी आएगा, टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेट होता है समाप्त करना। फ्लैम्बोयंस आपका ये यू नहीं आएगा आपके यहाँ पे, इसका मतलब होता है चमकीला। और आपका क्लेडोस्कोप, क्लेडोस्कोप पे होता है बहुरूप दर्शक, तो क्लेडोस्कोप आपकी जो है ए की जगह यहाँ पे, देखिए ए की जगह यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, ये आपकी स्पेलिंग सही रहेगी। नेक्स्ट आपका फिलिंग द ब्लैंक, सी स्टूड ब्लैंक द विंडो एंड लुकड आउट ब्लैंक,
तो इसमें क्या आएगा, सी स्टूड बाई, सी स्टूड बाई, दो में है बाई आपका, स्टूड बाई, आगे क्या आएगा, स्टूड बाई द विंडो एंड लुकड आउट एट ए ग्रे, एट ए ग्रे, बाई एंड एट आपका यहाँ पे आएगा, ग्रे कैट। चूज द आपका अंडरलाइन वर्ड का मतलब बताना है, एन ऑफिसर मस्ट नो हाउ टू हैंडल हिज मैन, तो ऑफिसर को पता है कि उसके बंदों को कैसे मैनेज करना, हैंडल करना आपका। नेक्स्ट आपका, सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट, वेग का मतलब है जो अपोजिट बताना है, वेग, वेग का मतलब होता है स्पष्ट, विपरीतार्थक बता, इसका बताना है जो अपोजिट होगा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक आपका स्पष्ट होता है, स्पष्ट। वन हु कैन नॉट डाई, जो आपका है मर नहीं सकता वो क्या होगा, तो इमोर्टल होता है, अमर होता है, अजर अमर होता है, इमोर्टल। अपना हाथ जगन्नाथ अर्थ का क्या क्या अर्थ है, अपना हाथ जगन्नाथ, तो इसका मतलब मुहारे का अर्थ है अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना, अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना। स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो वो होता है मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, कौन सा आपका कवित्री, कैसे आपका लिखा जाता है कवित्री, जो 64 आपका कवित्री है आपका ऐसे लिखा जाएगा। रम्य का अर्थ होता है, रम्य का आपका अर्थ क्या होता है, रम्य का होता है सुंदर, सुंदर आपका मतलब होता है। कामायनी काव्य ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, कामायनी जो आपके लेखक है जयशंकर प्रसाद हैं आपके, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट आपका 69, प्राकृत व्याकरण के लेखक कौन है, प्राकृत व्याकरण के लेखक है एमचंदर, एमचंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके ये हैं। जिसका कोई अंत न होता हो के लिए एक सही शब्द है, जिसका कोई अंत न हो, अनंत आपका है ना, अनंत। अमृत शब्द की पर्यायवाची का चयन करना है, अमृत, अमृत के पर्यायवाची पीयूष, सुधा, अभिमय, जीवन, जो पीयूष आपका इसका आपका पर्यायवाची है। रिक्त स्थान बनना है, जाति का आधार ब्लैंक है, वर्ण का गुण कर्म, तो आपका जो बेहतर जाति का आधार जन्म है, जन्म के आधार पर जाति आपकी आजकल डिसाइड की जाती है आपकी। वदौ गुरु पद पदम परागा पंक्ति में कौन सा अलंकार आपका, वदम वदौ गुरु पद पदम परागा, तो इसमें आपका 73वें का को है अनुप्रास अलंकार आपका, ये बार बार आपकी ये पे की आवृत्ति हो रही है, पे पे पे, जहाँ पे एक बार होता है बार बार होती है जिसकी आवृत्ति, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय भारत जो है उदय अभियान शुरू किया था, 74, तो ये किया था मध्य प्रदेश से, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, 125वीं तब किया था आपका। निम्नलिखित विश्व के देशों में समूह में से किसने गेहूँ और चावल की उपज है जो उच्च उपज है विकसित की थी, एच वाई वी कहते हैं इसको, हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी, तो थी आपकी 75 ये की थी आपकी, मैक्सिको और फिलीपींस है जो इन्होंने विकसित की थी। भांगड़ा जो भाखड़ा है, भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो किसका लोक नृत्य आपका, भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है आपका, पंजाब ऑप्शन नंबर 2। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है आपका, तो किससे संबंधित है आपका, गांधी जी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में, ये आपका था अगस्त क्रांति, इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है आपका। निम्नलिखित राज्यों में से किस में 1959 में भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था, तो किस में किया गया था, राजस्थान का जो नागौर जिला है, राजस्थान और जो आपका राजस्थान का नागौर जिला, इसमें उद्घाटन किया था, फिर आंध्र प्रदेश में इस योजना को लागू किया था, राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका 1959 के अंदर। नेक्स्ट आपका 2, 8, 14, 20 दिया है, इसको पूरा करना है। देखिए 6-6 ऐड हो रहा है, 6 इसमें आपका 38 आपका यहाँ पे 44 में और फिर 50, 44 और 50 आपका ऑप्शन नंबर 2। जे ए की के बी एल दिया है आपका, तो इसमें क्या आएगा आपका, क्या आएगा आपका, देखिए ए से बी कुछ ऐड नहीं हुआ, डायरेक्ट बी सी डी, सी जोड़ दिया, फिर डी आपका 2 आगे जोड़ेगा, डी ई एफ यहाँ पे बीच में है, जो जी आपका क्या आएगा, क्या आएगा, डी तो हो गया, ई एफ जी एफ आएगा आपका यहाँ पे, एफ किस में है आपका, इसके अंदर आपका डी ई एफ आपका इसमें आने वाला है, ठीक है, इसमें आपका जोड़ा गया, इसमें देखिए आपका ए बी कुछ नहीं जोड़ा, बी से सी जोड़ दिया, बी सी डी, फिर ई एफ, और जो आपका यहाँ पे देख पाएंगे जे
कि यहाँ पे लिख दिया एल एम आपका यहाँ पे होगा, फिर एम एन हो गया, के एल होगा, जे के होगा, के एल एम एन आपका, फिर आएगा पी क्यू, पी क्यू आपका आएगा है ना, ये आपका है जो पी क्यू आपका आने वाला है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। कौन सा शब्द है अन्य से संबंधित नहीं है, तो कौन सा शब्द है इनमें अन्य से संबंधित है, ये टायर है, स्टीयरिंग व्हील, इंजन, एक कार है जो अन्य से संबंधित नहीं है, ये इसके पार्ट्स होते हैं कार के। नेक्स्ट आपका ऑडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास से क्या संबंधित है, तो कंपास से आपकी जो दिशा है वो मापी जाती, देखी जाती है आपकी। एक मार्च पोस्ट में 7 व्यक्ति हैं, ये पहले हमने पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, वही है इसमें क्यू मध्य में खड़ा है आपका, क्यू मध्य में आपका जो पहले क्वेश्चन किया था वही है ये आपका। नेक्स्ट है 20 वस्तुओं की लागत कीमत एक्स वस्तुओं की बिक्री के बराबर है, तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे समझा देते हैं हम, 20 सी पी किसके बराबर है आपका, मान लीजिए एक्स एस पी है, तो आपका सी पी अपोन में एक्स एस पी क्या होगा, सी पी आपका कॉस्ट प्राइस, एस पी है सेलिंग प्राइस, एक्स अपोन में 20 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। पर्सन के अनुसार ये है आपका क्वेश्चन में क्या दिया, 25% लाभ हुआ है, तो 25% किस पे लाभ होगा आपका, जब आपका जो ज़्यादा बिकेगा सेलिंग प्राइस है जो ज़्यादा होगा, तो मतलब 20 तो वस्तु थी, 20 में से आपका घटा देंगे एक्स, वही उन्हीं वस्तुओं का फ़ायदा हुआ ना उन्हीं वस्तुओं पे, और किस पे एक्स पे, इनटू में 100, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 25% के बराबर इसको रख देंगे, 25% के बराबर इसको रख देंगे, और फिर इसको सोल्व कर लेंगे आप डायरेक्ट आपका, देखिए हम यहाँ पे आपको सोल्व कर देते हैं, इधर 25 ये आपका एक्स है, एक्स इधर आ जाएगा, 25x किसके बराबर में हो जाएगा, ये आपका इसकी मल्टीप्लीकेशन इसकी 2000 हो जाएगी, और माइनस में 100x, माइनस में 100x हो जाएगा, 100x इधर आके प्लस का हो जाएगा, 125x हो जाएगा, और 2000 के बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी, जब इसको काटेंगे 16 वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू, और तो इसका जो मान है वस्तुओं का 16 है आपका, 16 वस्तुएं आपकी हैं। किसी परिवार का औसत मासिक खर्च इसका 3 माह का 2200 था, 2200 रुपये, 4 का था 2550, 3 का था 3120, इसमें क्या करेंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तीनों को जोड़ देंगे और ये भी साथ में जोड़ देंगे, जब इनको जोड़ेंगे आप तो आपकी जो टोटल आ जाएगी 33,660 आपकी। फिर इन्होंने पूछा है कि उनकी जो मासिक आय है, तो आपके 3, 4, 7, 5, 12 महीने हो गए, तो 12 से इसको आप डिवाइड कर देंगे, तो इसकी मासिक आय 2805 रुपये आपकी आ जाएगी। 54,288,360 का HCF है जो वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले आपका है क्या लेंगे, 288 ले लीजिए, इसको आपका 54 से आपका डिवाइड कीजिए, 54 से आपका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, बोलिए 54 से 5 पे डिवाइड करेंगे, 54,270 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 18 फिर यहाँ पे 54 लिखेंगे, 18 + 54 तो 18 से डिवाइड हुआ टोटल, 360 से भी ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका HCF आपका 28 आ जाएगा। दूसरे तरीके भी आप इसके फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सरल करना है, ये क्वेश्चन सरल करना है, ठीक है, तो इनको जोड़ देंगे, इसको अलग आपका जोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, आप देख पा रहे हैं इसको जोड़ेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन में आते हैं उनको आपके डायरेक्ट जोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो ए का ये माइनस 1/3 दिया है और इसमें ही आपका 1/3 जुड़ेगा, तो आपका ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए की पावर है 0, प्लस में ए की पावर 1/2, किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो 1 प्लस में a/a^2, तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका ये आंसर आएगा। दो पाइप ए बी सी किसी होज को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भरते हैं, दोनों एक साथ खोल दी जाएँ तो होज कितने मिनट में भरेगा, तो 20 और 30 ये आपका 60 हो गई इसकी टोटल यूनिट, तो इसकी एक की 20 वाले की फ्रिक्वेंसी आपकी 3 आ गई और 30 वाले की 2 आ गई, दोनों को खोल देंगे तो एक मिनट में कितने भर देंगे, 5 यूनिट भर देंगे, तो टोटल 60 यूनिट आपकी 5 में भर देंगे, तो 12 मिनट में टोटल आपका भरा जाएगा। मानव शरीर का जो पीएच होता है उसका जो मान होता है, पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 अक्षारीय टोटल आपका है जो थोड़ा सा अक्षारीय टाइप में आपका जो है बेसिक आपका रहता है 7.4। नेक्स्ट है प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है, जो प्रकाशीय तंतु होता है किस परिघटना पर आधारित है, जो टोटल TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन आपका होता है, उस पर आपका आधारित होता है,
निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो किसमें से आपका सबसे अधिक उपयोग होता है? ये होता है आपका सांख्यिकी में, जो आपका होता है सबसे अधिक उपयोगी। ये इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है आपका, देख पा रहे हैं। ब्लैंक का उत्तरदायी है, किसका उत्तरदायी है ये क्वेश्चन आपका, इसमें थोड़ा गलत है। इसमें बोनस बोनस मिला होगा आपका क्वेश्चन में। कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? तो कार्बन डेटिंग में आपका कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? रेडियो सक्रियता होती है आपकी, रेडियो सक्रियता C14 द्वारा जो काल निर्धारण की विधि का है इसमें प्रयोग किया जाता है आपका। नेक्स्ट आपका गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? गुजरी महल आपका कहाँ पे? हिसार जिले में है आपका। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका के लिए है जो आपका ये बनवाया था, और कब बनवाया था ये? 1354 में आपकी प्रेमिका इसकी गुजरी थी उसके उसमें बनवाया था आपका। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? हीरो मोटरसाइकिल बनाने का, तो ये आपका है रेवाड़ी के अंदर हीरो मोटरसाइकिल। नेक्स्ट आपका 96 करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किस नाम से प्रस्तावित है? तो किस नाम से आपकी? ये आपकी है कल्पना चावला के नाम से। इसका निर्माण 2016 में शुरू आपका 2003 में 13 में सॉरी कल्पना चावला। ऑप्शन 3, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो कौन सा जिला है रेतीला नहीं है आपका? जो कुरुक्षेत्र जिला है आपका वो रेतीला नहीं है, आपके तीनों रेतीले जिले आते हैं। बिरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? तो बिरबल का छत्ता हरियाणा के नारनौल में है, और इसका निर्माण किसने कराया था? राय बाल कुमुद दास ने आपका निर्माण कराया था आपका। फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? तो नमक ढोने के लिए आपका इसका उद्देश्य से आपका किया गया था। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी, तो कब की थी पशुधन बीमा योजना की शुरुआत? 29 जुलाई 2016 का आपकी रोहतक जिले से आपकी की गई थी, ओम प्रकाश धनखड़ ने आपकी की गई थी रोहतक से। ये था आपका जो 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करते हैं आपको सारा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या गलती रह गई थी। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।